डू यू ऑल नो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप आरआरबी प्रियो एंड क्लर्क में इजीली फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा या फिर ओवरऑल कट ऑफ, बट इस एक टॉपिक से दोनों में मार्क्स इंक्रीज होने के वजह से आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी ये है हिंदी। यू नो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट होता है, खास करके मेंस, इसलिए कट ऑफ भी बिलो 10 ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हिंदी में 25+ एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं। आप ही सोचो 10 कहाँ है और 25 कहाँ है, 15 मार्क्स ज्यादा, जिससे सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ में आपके ओवरऑल मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो कि आप इंग्लिश में नहीं कर सकते हो। राइट, इंग्लिश में इतना स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसलिए कट ऑफ भी हमेशा कम ही जाता है। राइट, सो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश इन कंपैरिजन टू हिंदी, और हिंदी थोड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं है कि सभी को इसलिए हिंदी चूज करना चाहिए, जो इंग्लिश में स्ट्रांग है, अच्छे स्कोर कर पाते हैं मेंस में भी, आपको इंग्लिश को ही प्रेफर करना चाहिए। जिनके स्कोर्स इंग्लिश में बढ़ते ही नहीं है, चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर ले, तो उनको हिंदी चूज करना चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, आरसी हो गया, एरर डिटेक्शन, वही सब जो इंग्लिश में आते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि लैंग्वेज का ही होगा। पहले उनको आपको नोट डाउन करना है, यानी सिलेबस होगा, और एक एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी आपका मन करे, आरसी हो या कोई अदर टॉपिक। उससे क्या होगा, जो वर्ड्स एग्जाम में आते हैं ना, उनसे आप फेमिलियर हो पाओगे। लाइक एक बात यहाँ पे आपको समझनी होगी कि जो हम डेली लाइफ में हिंदी में बात करते हैं ना, वही वर्ड्स एग्जाम में या किसी बुक में यूज नहीं होते हैं। बुक की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है, यू नो, शुद्ध हिंदी। सो डोंट थिंक कि मुझे तो हिंदी आता है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आई कैन स्कोर वेल। नो, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। आरसी रीड करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके समझ पाओगे कि हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो वर्ड्स एग्जाम में कैसे यूज होते हैं। डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। एंड मैंने इसके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टोटल 1000+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी के लिए ही पीडीएफ प्रोवाइड किया है, इंग्लिश के लिए भी पीडीएफ प्रोवाइड किया है, आप उसको भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू स्कोर मोर बाय चूजिंग हिंदी इन आरआरबी इफ यू आर वीक इन इंग्लिश। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई भी आपका और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।